मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने एक इतने महत्वपूर्ण एक प्रश्न जिसकी गंभीरता तो। जिसकी होता है कि कम से कम आपने कृपा पूर्वक इसको कॉलिंग अटेंशन में स्वीकार किया। हम और हमारे सहित जो देश की लगभग 65 करोड़ आबादी के क्षेत्र में फैल चुका है, ये उनके ऊपर आपने कृपा की है। माननीय मंत्री जी ने अपने कॉलिंग अटेंशन के उत्तर में स्वीकार किया है कि हमने 29 जुलाई 2016 को लोकसभा में वेक्टर जनित या वाटर बॉर्न डिजीजेज के बारे में जवाब देते हुए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की तरफ हमने सारी जानकारी दी है। फिर उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि 12 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश सहित 11 राज्यों के मंत्रियों की बैठक की, सेक्रेटरीज की बैठक की, 27 मई को इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है डीजीजीएस के साथ उसके साथ बैठक की, और इंसेफ्लाइटिस के लिए उन्होंने 10 परामर्शी एडवाइजरी जारी की है। मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि आपका इतना उपाय है, प्रयास है, आपने स्वयं स्वीकार किया अपने उत्तर में कि देश के 197 जनपदों में जापानी इंसेफ्लाइटिस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का प्रसार हो चुका है। उत्तर प्रदेश के जैसा माननीय योगी जी ने कहा 39 जिलों में हो चुका है, लेकिन इन उपायों के बावजूद भी अगर केवल उत्तर प्रदेश के 29 जिलों के में केवल गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अगर की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं तो एक मेडिकल कॉलेज की छत के नीचे जनवरी से अभी तक जो डेथ हुई है वो डेथ होने की संख्या 121 हो गई और 483 मरीज भर्ती हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आप ये इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन करते हैं ये किसी जेई का एईएस का इलाज नहीं है, ये केवल प्रिवेंटिव है। और प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन करने के बावजूद भी अगर मरीजों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है तो उसकी गंभीरता देखिए कि जो बच्चे विकलांग होकर के मेंटली रिटार्टेड होकर के अगर 96% बच्चों को होते हैं, 80% उसमें गरीब हैं जिनकी आमदनी 1000 से 2000 नहीं है, गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है। और उस अभिशाप में अपनी बात को कंक्लूड पूछो नहीं तो मैं दूसरा नाम ले लूं। मैं दो मांग कर लूं, भाषण नहीं बहुत मैं केवल दो मांग कर लेता हूँ। एक तो जैसा योगी जी ने कहा कि अगर 2009 में पुणे की नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट का एक फील्ड यूनिट हुई और लगातार भयावहता इतनी बढ़ती जा रही कि 27,000 लोग भर्ती हो चुके, तो वहाँ पे क्यों नहीं एक इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर खोला जाता। दो वैज्ञानिक कौन से आज तक कारणों का पता नहीं लगा मैडम कि जेई एईएस क्यों होता है। जेई का अगर पता भी लगा तो 85% जो एईएस हो रहा है जिसमें मौत और विकलांग हो रहे हैं उसके कारणों का पता नहीं हुआ। और रीजनल मिशन मेडिकल सेंटर, एक पूछो क्या पूछो, एक मांग और एक दूसरी मांग, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर RMRC जिसकी स्थापना इनको करना है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, उसकी भी स्थापना अगर हो जाए तो इस बीमारी के कारणों का तो पता लगे कि ये देश के 20 राज्यों के 197 जनपदों में हो गई, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव में जब हम जाते हैं उन विकलांग बच्चों को देखते हैं जो माँ बाप पे बोझ है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री भाषण नहीं, आपके माध्यम से भाषण नहीं है, ये हमारा दर्द हो गया। बैठिए, हो गया।